और इंग्लिश फिक्शन नॉवेल ने देश में लगातार दूसरी बार बेस्ट सेलर किताब का खिताब हासिल किया है। महज 19 वर्ष की उम्र में इलाहाबाद की इस युवा लेखिका लीमा धर ने जो मुकाम हासिल किया है उसे सुनकर हर भारतीय महिला गर्व महसूस करेगी। जिस मुकाम को हासिल करने में लोगों को कई साल लग जाते हैं उसे लीमा ने महज 19 बरस में ही हासिल कर लिया है। इलाहाबाद की इस युवा लेखिका ने अंग्रेजी उपन्यास टिल वी मीट अगेन और यू टच माई हार्ट को बेस्ट सेलर का टैग मिला है। लीमा के इस इंग्लिश फिक्शन नोवेल ने प्रकाशन के पहले ही हफ्ते में इतनी लोकप्रियता हासिल की कि एक ही सप्ताह में इसके संस्करण की सभी प्रतियां देश भर में बिक गईं, जिसके बाद इसे बेस्ट सेलर किताब का टैग हासिल हुआ। कविता संग्रह, काव्य संग्रह निकला क्लास 9th में, 12th में इंग्लिश एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स निकला, फिर एक के बाद एक चार फिक्शंस निकल गए, 3 बेस्ट सेलर्स हुए। अब लग रहा है कि नहीं, जो मैंने अनकन्वेंशनल करियर चुना, जो आज के इंजीनियर डॉक्टर से हटके जो करियर मैंने चुना या मेरे माता पिता का प्रोत्साहन मिला मैंने किया, जब चार उपन्यास एक के बाद एक निकल गए, 3 बेस्टसेलर्स हो गए, तब लगा कि नहीं, अब पाठकों को मुझसे उम्मीदें हैं, अब समाज के लिए कुछ करना है। तो अब मेरा फोकस ये रहता है कि मेरा जो उपन्यास है मेरे में उसमें महिला किरदार ज्यादा से ज्यादा हूँ, उसमें महिला किरदार एक अहम भूमिका निभाए, जिसमें उनके जिंदगी का जो संघर्ष है, उनके जीवन का जो स्ट्रगल है वो दर्शाया जाए, जो समाज में जो बर्निंग टॉपिक्स है, जितने भी टॉपिक्स है जितना मैं कवर कर पा रही हूँ वो मैं कवर करूँ और पाठकों तक मैसेज पहुंचाऊं। तो मेरे दिल से भी ये काम मुझे अच्छा लगता है और मैं ऑब्वियसली समाज के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। लीमा की माँ एक स्कूल टीचर है, उनका मानना है कि उनकी इकलौती बेटी लीमा कभी भी आम बच्चियों जैसी नहीं थी। यही वजह है कि ना तो वो आम लड़कियों की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी और ना ही टीचर। लीमा की माँ की माने तो लीमा ने कैंसर से जिंदगी की जंग लड़ रही अपनी नानी को बचपन में अस्पताल में बहुत करीब से देखा था, जिसके बाद उसने नारी संवेदना को अपनी सृजनशीलता का हिस्सा बना लिया। प्रेम और नारी के संघर्ष के अंतर्द्वंद को अपनी कल्पना शक्ति से लीमा ने कलम से कुछ इस तरह उतारा कि उसकी रचनाएं अपने नाम नया कीर्तिमान दर्ज करती गईं। 3 साल या 3.5 साल की उम्र में वो पहली बार 3 लाइन हमें पढ़ के सुनाया, पापा ये देखिए, आई हैव ए कैट, इट लाइज ऑन मैट, माई फादर इज फैट। हमने 3 लाइन सुनी, अजीब बात है, कितने सिमिली है, उसमें किस ढंग से किया है, इसमें तो पोएट्री है। हमने वो 3 लाइन को 1 घंटा उनको रिव्यू किया, उसके बाद सलीमा रोज कुछ ना कुछ लिखने लगी। लीमा के माता पिता ने उसके अंदर छिपे एक रचनाकार को लीमा के बचपन में ही पहचान लिया था, जिसके बाद उन्होंने उसे लिखने का पूरा मौका दिया, शायद जिसका नतीजा है कि लीमा ने महज 19 साल में 2 दर्जन से अधिक फिक्शन नॉवेल लिखकर अंग्रेजी लेखकों के बीच अपना नाम दर्ज कराया। इतना ही नहीं, युवा लेखिका ने महज 16 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी में काव्य संग्रह फॉर द 100 टुमॉरोज लिखकर 2 भाषाओं में लिखने वाली सबसे कम उम्र की कवयित्री की उपलब्धि अपनी झोली में डाली। महिला संघर्ष और महिला स्वरूपकार पर पिछले 10 वर्षों से अपने कलम के जरिए कागज के पन्नों में उतार रही इस युवती ने साबित कर दिया है कि नारी के अंदर अगर जज्बा हो तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इलाहाबाद से संजय त्रिपाठी, के न्यूज, खबरों का सारथी। महायूपी में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे।